देहरादून में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे अधिकारी को भी मार रहे हैं। और इन माफियाओं का खौफ इलाकों में इतना है कि कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। मसूरी रोड पर मैगी पॉइंट के नीचे भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि भू माफिया पहाड़ काटकर भूमि को समतल करने का काम जेसीबी की मदद से करवा रहे हैं। जब खनन विभाग के अधिकारी मामले की जांच करने पहुंचे तो माफियाओं के गुंडों ने उनके साथ मारपीट की व उनके सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया। इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। बता दें, जहां पर भूमि को समतल करने का काम चल रहा है वहां पर सरकारी पानी का टैंक बना हुआ है जिससे गांव में पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन भूमि को समतल करने की वजह से कई दिनों से गांव में पानी की सप्लाई नहीं हुई है। सर, पानी की समस्या हमारी थी, बिल्कुल अच्छा था तो, लेकिन अभी दो तीन दिन से पानी नहीं आ रहा। उन भैया लोग ने बोला वो पाइप टूट गया, हम बना के देंगे और कल टैंकर मंगवाएं या कल तक आ जाएगा बोल रहे, हम इंतजार कर रहे। तो भैया ने जो है कि हमें टैंकर मंगा के दिया रहा आपको। सर, उधर तो सबको नहीं है पर मेन तो हम हैं जो यहाँ पे हैं, दो चार घर। हमें पानी चाहिए सर, और कुछ नहीं, हमें क्या पानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 6-7 तो गाय हैं, भाई के पास भी गाय बकरी हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।